पहले डीवीज फटाफट से उस पर एक कॉल लेते हैं। मानस बताइए, डीवीज आई थिंक कल दोपहर में हम चर्चा कर भी रहे थे, 2% खुलने के साथ ही मोमेंटम आ चुका है स्टॉक में। देखिए, स्टॉक ने अपनी 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और हाई टॉप्स हायर बॉटम 60-minute चार्ट पे आपको क्लियरली दिखने लगे हैं। मेरे ख्याल से 5000 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, बट आई थिंक 47-40 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 5000 से 5025 तक के टारगेट पॉसिबल है डीवीज लैब में। ओके, चलिए आप क्विक सिंगल की शुरुआत करते हैं। मानस, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, फिर क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? देखिए, अपोलो टायर्स पे मेरी नजर है। कल भी मैंने इसको 2 बजे के शो में रिकमेंड किया था और आज भी ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। करंट लेवल्स पे अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 496 का स्टॉप लॉस लगाइए और 515 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, अपोलो टायर्स ही हो गई मानस के पे। गबा सर, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक? गुड मॉर्निंग, और स्टॉक का नाम है इंडिगो। 4339 पर ट्रेड करा है, एक ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 4320 का, टारगेट 4400 इंडिगो। ओके, 4400 की तरफ बढ़ता हुआ 1% ऊपर ये काउंटर आ रहा है। सचिन, आपका ट्रेड? अर्चना, मुझे लगा यहाँ पर फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 7000 के आसपास। इस सीरीज में काफी कॉल राइटिंग देखी थी, आई थिंक उनको पुश मिला है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी शानदार तेजी यहाँ पर अनलॉक हो रही है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 7145 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7230 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 7010 पर लगाना है। डॉक्टर रेड्डीज में एक मौका, डीवीज और डॉक्टर रेड्डीज इस समय के टॉप ट्रेडेड काउंटर साबित हो रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसका फायदा उठाइए। राजेश सातपुते, आप क्या पिक कर रहे हैं? चलिए, देखिए मेरी नजर है लार्सन एंड टूब्रो पे। अनु जी ने बिल्कुल सही कहा, ये चार्ट बढ़िया है। 3570-3600 का क्लस्टर है और ये आई थिंक ये क्लस्टर तोड़ के आज यहाँ पे एक रिकवरी आ रही है, तो 3600 के ऊपर जैसे ये ट्रेड हो रहा है शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टूब्रो। 3580 का एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हमें रखना है और सामने टारगेट सेट करना है 3650 का, 3700 प्लस का। सो एलएनटी इज अ बाय। एलएनटी इज अ बाय। और देखिए डॉक्टर रेड्डीज और एलएनटी दोनों हमारे बिग स्टॉक्स में भी थे आज, दोनों में अच्छा मोमेंटम है इस समय। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? तो बेस्ड ऑन द ओपनिंग जुबिलेंट फूडवर्क्स काफी अच्छा लग रहा है, 630-631 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 618। टारगेट मेरा होगा 655 से लेके 660, 655-660। ओके, तो जुबिलेंट फूड में एक मौका बन रहा है। बहेती जी बताइए, आपको क्या पसंद आ रहा है इस समय ओपनिंग देखकर? जी हर्षना, में वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पिछले 4 दिनों से और हायर हाईज के पैटर्न्स कंटिन्यूअसली इसमें बन रहे हैं, तो 445 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 460 के पहले टारगेट एंड 470 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा पीएनबी, सॉरी ब्लॉक डेल किसमें हुई थी, पीएनबी हाउसिंग में ना, पीएनबी हाउसिंग का एक बार चार्ट लेकर आइए। क्यों इंपॉर्टेंस होती है ब्लॉक डील विंडो में अगर सौदा निपट जाए तो? वो आपको बताता है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। दिक्कत क्या होती है कि इसमें आप खरीद नहीं सकते, मतलब इसमें आपको प्री ओपन में ही डाल के रखना होता है। प्री ओपन में अगर आपको मिल गया तो किस्मत की बात है, प्री ओपन में जिसको मिल गया होगा उसकी तो अच्छी, उसकी लॉटरी लग गई, उसकी लॉटरी लग गई। लेकिन अगर आप चाहें तो बाकी के हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, आदि जैसे कैनपिन हो गया, LIC हो गया, LIC हाउसिंग हो गया, आई थिंक इनमें फोकस कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं मिला तो। क्योंकि ट्रेडर की अप्रोच क्या होगी कि अगर ये मिस हो गया तो दूसरे पे फोकस कर लें, शायद ये एक ट्रेड हो सकती है। चलिए, आई थिंक आप राज्य धर्मेश बाकी धर्मेश एक बार हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स आपके प्रेफर्ड पिक होगी क्या इसमें से कोई? बिल्कुल अनुज, PNB हाउसिंग फाइनेंस और LIC दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, इसके साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये तीन स्टॉक काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और हाउसिंग फाइनेंस में ट्रैक्शन रहेगा अनुज, बिकॉज अभी क्या है कहीं ना कहीं हम लोग इंटरेस्ट रेट के अपसाइकिल पे एंड की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पर अभी अगर आप Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़ में अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी ट्रैक्शन आना चालू हो गया स्मॉल बिल्डर्स का सोसाइटी में, तो वहाँ भी हाउसिंग इनको काफ़ी फायदा हो रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी को।
तो लॉन्ग टर्म पे रेजी से बिल्कुल बली रहना चाहिए, और ऐसा जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको अवेल जरूर करना चाहिए फॉर योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला एक ट्रेड रहेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मौका नहीं, अगर पोजिशन है तो डिलीवरी बेस्ड ही रहेगी क्योंकि अभी वे बैन का हिस्सा बना हुआ है। कुछ ही स्टॉक्स निकले थे बैन से बाहर, उनमें से एक इंडिया मार्ट है जिसके वो पंख लग गए हैं। का आज सुबह में अपडेट आया कि ये बैन से बाहर, और बस लोग लाइन लगा कर बैठे थे आई थिंक खरीदने के लिए, 2.5% तक का इजाफा। अच्छा, इस बीच सचिन ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया, बताइए सचिन। हर्षद, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, एंड उस कंसोलिडेशन का मुझे लग रहा है वापस एक बार अच्छा ब्रेकआउट नजर आ सकता है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, इसने पिछले 4 दिनों से क्लोजिंग मेंटेन की है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2800-2840 तक की एक चाल यहाँ पर बननी चाहिए। सो खरीदारी करनी है HUL के फ्यूचर्स में, एंड एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है, तो 2750 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही ये पर्टिकुलर लॉन्ग पोजीशन आपको डिप्लॉय करनी है। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2800 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। ओके, मीनवाइल आप एक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।